शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला। जिथे मेरे हुजूर दे कदम लगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिथे मेरे हुजूर दे कदम लगे उस थां वर्गी कोई थां नहीं हो, ते जिस दियां कसमां अर्श ते रब खावे उस ना वर्गा कोई ना नहीं हो, ते जेड़ी मेरे हुजूर दा मूँह चुमे, ते जेड़ी मेरे हुजूर दा मूँह चुमे, जिथे मेरे हुजूर दे कदम लगे उस थां वर्गी कोई थां नहीं हो, ते जिस दियां कसमां अर्श ते रब खावे उस ना वर्गा कोई ना नहीं हो, ते जेड़ी मेरे हुजूर दा मूँह चुमे उस मां वर्गी कोई मां नहीं हो, ते चलो चलिए जालियां हेठ बइए ओदी छां वर्गी कोई छां नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रबीउल अव्वल का महीना है, प्यारे नबी खातिबुन नबीयीन इमामुल अंबिया ताजदार मदीना इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसी महीने में दुनिया में तशरीफ़ लाए और इसी महीने की 12 तारीख को, जिसको उर्फ़ आम में 12 वफ़ात कहा जाता है, प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी कायनात में जिस ज़ात को अपने बाद सबसे अफजल, सबसे आला मर्तबा अता किया है, कायनात में अल्लाह तबारक व तआला के बाद अल्लाह तबारक व तआला का अगर कोई नायब है, जिस ज़ात को अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे इंसानों के लिए रहमत बना के भेजा है, जिनके सदके अल्लाह तबारक व तआला ने कौनैन को सजाया है, जिनकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने दिन को रोशनी रात को ताबिंदगी अता की है, वो ज़ात हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात है। अगर दुनिया के अंदाजे के मुताबिक ये देखा जाए कि अब तक कायनात में सबसे कामयाब इंसान कौन है, सबसे बड़ी शख्सियत कौन सी, सबसे आगे नाम किसका है, हर जगह चर्चे किसके हैं, दुनिया के हर कोने में, हर रंग में, हर नस्ल में किसका दीन पहुंचा है, वो कौन सी ऐसी जात है जिसके मानने वाले जहां से सूरज निकलता है वहां भी मौजूद हैं और जहां शाम को सूरज डूबता है वहां भी मौजूद हैं, ऐसा कौन है कायनात में के रंग बदल जाएं, नस्लें बदल जाएं, इलाके बदल जाएं, खित्ते तब्दील हो जाएं, आबो हवा की खुशबू तब्दील हो जाए, जुबान बदल जाए, कद्दो काट में तब्दीली आ जाए, खाने पीने की चीजें तब्दील हो जाएं, उसके बावजूद कायनात में ऐसी कौन सी जात है कि जिसका निजाम, जिसकी तालीम, जिसका हुस्न इखलाक, जिसका किरदार, जिसकी बातें, एक वक्त ऐसा कौन है कि कायनात के एक कोने से सुबह को जब अजान में कहा जाता हो अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु तो ये कलमा पूरी कायनात में गूंजता हो, कौन है ऐसा पूरी दुनिया की हुकूमतों में, पूरी दुनिया के इक्तदार में, पूरी दुनिया के लीडरान में, पूरी दुनिया के मजाहिब के दरमियान ऐसी कौन
कौन सी जात है कि पूरी कायनात के जर्रे जर्रे में दुनिया के हर मुकाम पर थोड़े या ज्यादा उसके नाम लेने वाले हर जगह मौजूद हैं। अगर कायनात में जरा इस जात के मुकाबले में अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कोई नहीं। प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल जिंदगी कितने साल गुजारे, ऐलान नबूवत होता है 40 साल की उम्र में, 63 साल में नबी अलैहि सलाम पर्दा फरमा जाते हैं दुनिया से, 23 साल में तहजीब की तैयारी, 23 साल में नया तमद्दुन, 23 साल में नया इखलाक, 23 साल में नया किरदार, 23 सालों में इंसानों की आबियारी, 23 सालों में लोगों के अंदर किरदार, उनकी सच्चाई, आंखों में शर्मो हया, लोगों को दस्तूर कुरान पाक जैसा निजाम, एक किबला और एक कुरान, एक रसूल अता किया। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल है। 23 साल की मुद्दत में लोग एक खित्ते से दूसरे खित्ते तक नहीं पहुंचते, और ये नबी अलैहिस्सलाम है। तो नबी अलैहिस्सलाम की सीरत पाक की अगर एक झलक देखनी हो कि उनका दीन कैसे लोगों तक पहुंचा है, तो फिर हम अपने आप को खुद ना देख लें। हमारे आबो अजदाद में कौन है जो मक्के मदीने से आया हो, हमारे पास कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने आज हर जगह मौजूद हैं। इनका ताल्लुक खून का कोई रिश्ता उस सरजमीन के साथ नहीं है। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया था, कुर्बान जाए मोहम्मद रसूलुल्लाह पे, अपने सहाबा से एक दिन फरमाया तुम्हें पता है कि अफजल मुसलमान कौन से होंगे? अफजल मुसलमान कौन से होंगे भाई, सबसे आला वाले? साहबा ने अर्ज की या रसूलल्लाह कि अंबिया अलैहि सलाम जो अल्लाह के नबी हैं, फरमाया वो तो अफजल हैं ही, अल्लाह के चुनिंदा बंदे हैं, अल्लाह ने उनको चुन के भेजा है। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि अफजल मुसलमान कौन से होंगे? साहबा ने फिर अर्ज किया या रसूलल्लाह कि हम लोग जो आपके पीछे नमाज पढ़ते हैं, तो नबी अलैहि सलाम मुस्कुराए, फरमाया तुम तो अफजल हो ही, तुमने मुझे देखा है मेरे साथ नमाज पढ़ते हो, हम वक्त मेरे साथ रहते हो। मेरा पूछने का तो मकसद यह है कि अफजल मुसलमान कौन से होंगे। तो नबी अलैहि सलातो सलाम को साहबा ने अर्ज की थी या रसूलल्लाह आप खुद बताइए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर आपका जिक्र किया, कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारा जिक्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हो जाए तो ये कोई छोटी बात है? ये कोई मामूली बात है? ये कोई आम बात है कि प्यारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1450 साल पहले उन लोगों का जिक्र कर रहे हो जो अभी पैदा भी नहीं हुए थे उस वक्त, जिन तक तो अभी दीन पहुंचा ही नहीं था, उन लोगों का जिक्र कर रहे हैं मस्जिद नबवी में? कोई मामूली बात है? ये किस्मत वालों की बात है। ईमान वाला होना, मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम होना इतनी बड़ी बात है कि सारी दुनिया का सरमाया अगर एक तरफ रख दिया जाए और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी को अगर एक तरफ रखा जाए, तब भी इस पर्रे को कोई बराबर नहीं कर सकता। गुलाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होना ही सबसे बड़ी इज्जत की बात है। उस दर का नौकर होना, उनके दरवाजे का भिखारी होना, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम होना ही सबसे बड़ी बात। लोग बादशाही में इज्जत समझते हैं और यहां सारी की सारी इज्जत कहां है जी? सारी की सारी इज्जत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में पोशीदा है, सारी की सारी इज्जत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाकरी में पोशीदा है, सारी की सारी इज्जत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चौखट के ऊपर मौजूद है। जो इस दर का गुलाम होगा, कुरान पाक ने कहा, सूरह कुरान पाक में तीसरे पारे में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, फरमाया आओ जो
जो ये कहते हो कि हमें अल्लाह से बड़ी मोहब्बत है, हम अल्लाह को चाहने वाले हैं, हम अल्लाह की इबादत करने वाले हैं, हम अल्लाह की इताअत करते हैं, हम अल्लाह का कहना मानते हैं, फरमाया इन सबको बता दो, कान खोल कर सुन लो सारे के सारे, जिस जिसका ये दावा है कि मुझे अल्लाह से मोहब्बत है, फरमाया जिसको मेरे रसूल से मोहब्बत है उसी को मुझसे मोहब्बत होगी, जिसको मुझे मानना है तो पहले मेरे रसूल की माननी होगी उसको। जिसको अल्लाह से मोहब्बत का दावा है उसको रसूलुल्लाह से मोहब्बत का ऐलान करना होगा, रसूलुल्लाह की गुलामी का ऐलान करना होगा, रसूलुल्लाह की इताअत का ऐलान करना होगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी का ऐलान करना होगा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तबाह करनी होगी, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की पैरवी करनी होगी। अगर कोई मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का बागी है और उसके बाद कहे, जिस तरह मर्दूद कादियानी कहते हैं कि नऊज़ बिल्लाह हम अल्लाह को भी मानते हैं, नऊज़ बिल्लाह रसूलुल्लाह को भी मानते हैं और फिर मिर्ज़ा मुर्तद को भी मानते, कान खोल कर सुन लो कि अल्लाह ने कायनात में अपने बाद सिर्फ खातिमुन नबीयीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को बनाए, अब क़यामत आ सकती है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाद कोई नबी नहीं आ सकता है, क़यामत आ जाएगी, कोई रसूल बन के नहीं आएगा। आपने देखा ना कि हमें दुनिया ने किस बात में हम जुड़े हुए हैं, पता नहीं आपको कि हम देवबंदी हैं? क्या भूल गए तुम कि हम तो बरेलवी हैं? याद नहीं कि हम पठान हैं? कौन कहता है कि हम शिया नहीं है, सुन्नी नहीं है, अंसारी नहीं है, पटेल नहीं है, चौहान नहीं है? कौन कहता है कि हम सलमानी नहीं है, हम कुरैशी नहीं है? हम सब कुछ होने के बावजूद आज भी पूरी दुनिया का दुश्मन, आज भी पूरी दुनिया की इस्लाम मुखालिफ ताकतें, आज भी मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुखालिफ इस बात को जानते हैं कि इनको फिरकों में बांटा जा सकता है, रंग और नस्ल के एतबार से बांट सकते हैं, इनको हम कबीले के एतबार से बांट सकते हैं, लेकिन जब बात रसूलुल्लाह की अजमत की आएगी, जब बात शाने नबूवत की आएगी, जब बात नामूसे रिसालत की आएगी, तो फिर सारी दुनिया जानती है हम देवबंदी बरेलवी बाद में हैं, हम अंसारी पठान बाद में हैं, तमाम के तमाम रसूलुल्लाह के गुलाम हैं और दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए एक जगह खड़े हुए हैं। ये सिफ्त किसने पैदा कर दी मुसलमानों में? अंदाजा लगाओ कितना बांटा दुनिया ने इस्लाम को, उसके बावजूद भी आप जब बैतुल्ला में नमाज की नियत बांधते हैं, जब मस्जिद नबवी में नमाज की नियत बांधते हैं, जब कभी अपने गांव की मस्जिद में नमाज की नियत बांधते हैं, तो फिर बार बार अल्लामा इकबाल का वो शेर याद आ जाता है कि आ गया है लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रू हो के जमी बोस हुई कौम हिजाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, बंदाए साहिबो मोहताज और गनी एक हुए, तेरे दरबार में पहुंचे तो सभी एक हुए। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलाम है, ये रसूलुल्लाह का कमाल है। देखो दुनिया ने कितना बांटने की कोशिश की, अब भी अगर शान नबूवत की बात आ जाए, अब भी अगर नामूसे रिसालत की बात आ जाए, अब भी मोहम्मद रसूलुल्लाह की आन बान शान की बात आ जाए, तो फिर शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह पूरी उम्मत है मुस्लिमा एक जगह है। ये बरकत किस नाम में है जी? ये इज्जत किसने जोड़ रखी है? ये इत्तेहाद किसने पैदा कर रखा है? सिर्फ और सिर्फ हमारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान है। तभी तो सोने रसूल ने कहा था, प्यारे पैगंबर ने कहा, कुर्बान जाएं उनकी ज़ात के ऊपर। मदीना मुनव्वरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस का मफहूम है, फरमाया मेरे सहाबा अफजल मुसलमान वो होंगे, कौन से? जो भारत में रहते हैं। कौन से? और जो अपने आप को अंसारी कुरैशी पठान कहते हैं। कौन से? ये जो अपने आप को सुन्नी कहते हैं, ये जो अपने आप को बरेलवी देवबंदी कहते हैं, ये जो अपने आप को कहते हैं हम तबलीगी जमात वाले, ये जो अपने आप को शिया सुन्नी बताते हैं। फरमाया अफजल मुसलमान वो होंगे, या रसूलल्लाह कौन से?
फरमाया वो होंगे अफजल मुसलमान। कौन से या रसूलल्लाह? फरमाया वो जो हमारे बाद, फिर उनके बाद, फिर उनके बाद, जो बहुत बाद दुनिया में आएंगे, जिन्होंने मोहम्मद रसूलल्लाह को देखा नहीं होगा। फरमाया मेरे सहाबा, उन्होंने मुझे देखा नहीं होगा, लेकिन उनको मुझसे इतना प्यार होगा कि वो मेरी शान के ऊपर अपनी जान निसार कर दिया करेंगे। वो तभी तो मोहम्मद रसूलल्लाह ने फरमाया था, यहाँ दिल पे हाथ रख के पता कर लो मुसलमान हम मुकम्मल हैं कि नहीं। फरमाया मेरे सहाबा, जिसको मैं यानी मोहम्मद रसूलल्लाह अपने माँ बाप से ज़्यादा, हदीस का मफहूम सुना रहा हूँ, माँ बाप से ज़्यादा, भाई बहनों से ज़्यादा, बीवी से ज़्यादा, बच्चों से ज़्यादा, माल से ज़्यादा, फरमाया जिसको अपनी जान से ज्यादा मोहम्मद रसूलुल्लाह से प्यार है, बस वही ईमान वाला है। जिसको अपनी जान से ज्यादा अपने नबी अलैहिस्सलाम से प्यार है, वो ईमान वाला है। अगर ये ईमान में तसलसल है, जरा सा भी शक है, नऊज़ बिल्लाह जरा सा भी शुबा है, तो फिर हम बज़ाहिर मुसलमान नजर आ सकते हैं, हम अल्लाह के और उसके रसूल के नज़दीक ईमान वाले नहीं हो सकते। और रसूलल्लाह ने तो फ़ख्र फरमाया इस बात पर, खुशी का इजहार फरमाया, इस बात पर तसल्ली का इजहार किया कि आने वाले मुसलमान जो होंगे उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा प्यार होगा। और हो भी क्यों ना, हो भी क्यों ना, और सिर्फ मुसलमानों ही को नहीं, पूरी कायनात में जितने लोग रहते हैं, सिर्फ चंद फिरका परस्तों को छोड़ के अगर जो भी बंदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख पढ़ता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के किरदार को पढ़ता है, तो मजबूर होगा इस बात के लिए कहने पर, खा वो ईमान वाला हो या ना हो, कि जो मोहसिन इंसानियत, जो करीमी, जो शफकत, जो मोहब्बत, लोगों के लिए जो रहम दिली प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में थी, और जिसका रवाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डाला, उसकी नज़ीर कायनात में नहीं मिलती। मिस्र के शेखुल हदीस जामे अजहर के, वो फ्रांस में एक जलसे में गए हुए थे, तो एक डॉक्टर को मिलने चले गए, कुछ तबीयत ख़राब थी। तो डॉक्टर जो था उन दिनों में सारे मजाहिब के ऊपर कुछ किताबें पढ़ रहा था, कुछ लिख रहा था। तो दवाई देते देते हज़रत ने उसे कहा कि अगर कभी आपको फुर्सत हो तो ये मेरा कार्ड रख लें, और प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक भी एक आधी दफ़ा कुछ पढ़ लीजिए। वो डॉक्टर जो था वो इसलिए पढ़ रहा था कि ये पता लग सके कि इस्लाम कितना बड़ा दहशतगर्दी का मजहब है। तो उस डॉक्टर ने अपनी किताब में लिखा, कहने लगा जब मैंने इसी चक्कर में दो चार किताबें खोली, तो जो पहली किताब मिली उसमें जो पहली हदीस मिली, नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का जो पहला वाक्या उस डॉक्टर ने पढ़ा, कहता उस पढ़ने के बाद मेरी जहन बदल गया, मेरा तसव्वुरात बदल गए, और मैं मजबूर हो गया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलामों की सब में शामिल हो जाऊँ। कहने लगा मैंने पढ़ा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, उसने आके कहा या रसूलल्लाह मेरा बेटा गुम हो गया, दुआ कर दें, माँ बड़ी परेशान है, मैं भी बड़ा परेशान हूँ, अगर किसी का बच्चा गुम हो जाए अल्लाह ना करे तो माँ बाप के दिल में तड़प होती है, सुकून नहीं आता। तो या रसूलल्लाह मेरा बच्चा गुम हो गया है, आप दुआ कर दें। अभी वो शख्स बैठा हुआ था, गुफ्तगू चल रही थी, तो एक और सहाबी आए और उन्होंने जब ये गुफ्तगू सुनी तो उस बंदे को कहा कि अच्छा तुम्हारे बेटे को तो मैंने फलां मैदान में बच्चों के साथ खेलते हुए देखा है, वो तो वहां पे। तो वो शख्स इतनी बात सुनने के बाद तेजी से निकला मस्जिद में से, बड़ी तेजी के साथ उसने फटाफट जूते पहन के जब निकलने लगा तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसे रोका, वापस बुलाया अपने पास। अब सुने हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह इंसानों की तरबियत करते थे। ये ऐसे ही दीन हम तक नहीं पहुंचा है, बास तो अब बेकदरे हो गए ना, क्योंकि सोचते हैं मुसलमानों के औलाद हैं, हमें तो विरासत के अंदर मिला है, ऐसे नहीं पहुंचा हम तक दीन। बड़ी कुर्बानियों के बाद, बड़ी कुर्बानियों के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह की इत्तबा जिन लोगों ने की है, बड़ी लंबी कुर्बानियों के बाद ये दीन हम तक पहुंचे, और आज भी कुर्बानियां देने वाले लोग कुर्बानी दे रहे हैं। पता है कि
कि अबू जहल जितना नाराज हुआ था सैयदना सुमैया रजी अल्लाह तआला अनु का पकड़ा, फरमाया तू बूढ़ी होके मोहम्मद रसूलुल्लाह की इत्तबा करती है, इस्लाम को छोड़ दे वरना मैं तेरा कत्ल कर दूंगा। और फिर उनके शौहर को पकड़ा हजरत यासिर रजी अल्लाह तआला अनु को, फरमाया अपनी बीवी को समझा ले अगर तुम दोनों इस्लाम नहीं छोड़ते, और दोनों की उम्र 70 साल, एक की उम्र 80 साल है। फिर उनके बेटों को पकड़ा, हजरत अम्मार बिन यासिर को माँ बाप के सामने मारा, कपड़े उतार दिए। सैयदना सुमैया रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि अगर तुम मेरी बोटियां भी नुचवा दे तब भी दीन मेरे हाथ से नहीं छीन सकता। सैयदना सुमैया रजी अल्लाह तआला ने के टुकड़े कर दिए, और वो औरत इस्लाम की पहली शहीद बनी। और सिर्फ वो ही पहली शहीद नहीं बनी, हजरत यासिर रजी अल्लाह तआला ने के वालिद हजरत अम्मार रजी अल्लाह तआला ने जो सुमैया रजी अल्लाह तआला ने के शौहर हैं उनको भी उनके बाद शहीद किया गया। कैसी अल्लाह ने इज्जत अता फरमाई, औरतों में पहली शहीद उस घर की खातून है, मर्दों में भी पहला शहीद उसी घर का मर्द है। तो प्यारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दीन हम तक पहुंचा है। उस शख्स ने कहा कि या रसूलल्लाह मैं तो भागा जा रहा हूं, मुझे जल्दी है, मेरा बेटा मिल गया, मैं जाऊं। फरमाया नहीं, इधर आओ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा उसको, फरमाया जब उस मैदान में जाएगा ना, तुम्हारे बेटे का जो भी नाम है, मिसाल के तौर पर किसी के बेटे का नाम अब्दुल्ला है, तो फरमाया तुम जब जाओगे तो जोर जोर से आवाजें ना मारना, अब्दुल्ला मेरे बच्चे, ओ मेरी जान, ओ मेरे लाल, ओ मेरे प्यारे। फरमाया जो जिस तड़प से तू जाएगा उस मैदान में, और क्योंकि अपने बच्चे से 2-3 दिन से बिछड़ा हुआ है, तू जिस तड़प से जाएगा उस बच्चे को आवाजें देगा और वो बच्चा तेरी तरफ मुतवज्जो होगा, और तू जिस से उससे मिलेगा, हो सकता है उस मैदान में कोई यतीम खेल रहा हो सकता है उस मैदान में कुछ ऐसे बच्चे हो जिनका बाप नहीं है, हो सकता है कोई ऐसा बच्चा हो जिसके बाप ने कभी उसको पुकारा नहीं, हो सकता है कोई ऐसा बच्चा हो जिसके बाप घर में नहीं है, मर चुका है, और तेरी इस मोहब्बत की शिद्दत को देखेगा, उसको अपना बाप याद आएगा, उसका दिल जख्मी हो जाएगा। इसलिए मेरे सहाबी जब अपने बेटे को पुकारेगा उसका नाम लेके पुकारना, और घर जाके सारा लाड करना, बाकी बच्चों के सामने लाड नहीं करना है। मतलब रसूलुल्लाह चाहते हैं कि आप जाती जिंदगी में भी लोगों का दिल ना तोड़े, रसूलुल्लाह चाहते हैं कि आप जाती जिंदगी में भी लोगों का दिल ना तोड़े। आप अगर अपने बच्चों से मोहब्बत कर रहे हैं तो किसी यतीम के सामने ऐसी मोहब्बत का इजहार ना करें कि उसके बाप को उसको अपना बाप याद आ जाए। आप अगर घर में हैं, अल्लाह ने आपको बहुत कुछ दे रखा है, तो किसी गरीब के सामने अपनी शेखियां ना बखारें कि उसका दिल दुखे। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने यह रवाज डाला है कि लोगों के दिलों को तोड़ो नहीं, लोगों के दिलों को मजरूह ना करो। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायनात में सबसे पहले इंसानों में ये रवाज डाला कि अल्लाह ने अगर आपको इज्जतदार बनाया, आपको अच्छे पैसे दिए, आपको अच्छा खाना दिया, अगर तुम लोगों को बांटने वाले नहीं हो तो लोगों को चिढ़ाने वालों में शामिल ना हो, ताकि तुम्हारी वजह से किसी के दिल को तकलीफ ना पहुंचे। ऐसा बेहतर निज़ाम, ऐसा खूबसूरत निज़ाम हम तो बड़े फख्र से कहते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मुसलमान कन्वर्ट हो गए थे, हम तो फख्र से इस बात को कहते हैं। प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले दुनिया में सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इजाजत नहीं थी कि वो बैतुल्लाह की मस्जिद में जाएं, हालांकि वो उस वक्त तक मस्जिद का दर्जा नहीं रखती थी, गैर मुस्लिमों की इबादत गाह थी, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रोटोकॉल बना रखा था कि सफेद चमड़ी वाले जाएंगे, काली चमड़ी वाले अंदर नहीं आएंगे। इंसानों के गले में गुलामी का तौक डाला गया, मंडियों में इंसानों को बेचा जाता था, औरतों को पैदा होते ही कत्ल किया जाता था, बेटियों की कोई इज्जत नहीं थी। बेटियों से मुझे बात एक याद आ गई, मुझे एक निकाह में मेरठ जाना था, तो जब वो निकाह का दावतनामा मेरे पास आया तो पता लगा कि उस बेटी का तो नाम ही नहीं है दावतनामे में जिससे निकाह होना है। अपने वालों का भी कारनामा आपको बता दूं कि जिस बेटी से निकाह होना है उसका नाम ही दावतनामे में नहीं है, कि मुल्ला जी नाम नहीं छापा, क्या बात हो गई।
आखिर नहीं, ये इज्जत की बात नहीं है कि हम बेटी का नाम छापे, बेटी के बाप का छाप दिया। अच्छा जी, उस बाप की चार बेटियां हैं, तुमने तो छाप दिया। अब्दुलरहमान की बेटी से मोहम्मद निसार की शादी होने वाली है, अब अब्दुलरहमान की कौन सी बेटी से होने वाली है भाई? बड़ी से होने वाली है, छोटी से होने वाली है, मछली से होने वाली है, कि सबसे छोटी दरमियान वाली से होने वाली है? ये क्या तमाशा है? रसूलुल्लाह ने फरमाया, सुनो, कायनात के लोग इतने जालिम थे, बेटी को पैदा होते ही दफन कर देते थे, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं, कौ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने पूरी ताकत से और पूरे आजमत से पूरा जाहो जलाल से कहा था, फरमाया मेरे सहाबा, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, अपनी बेटी का नाम लेके कहा कि ये फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह है जिन्होंने बेटियों को इज्जत अता फरमाई है। नबी कहे अपनी बेटी का नाम लेके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अपनी बेटी का नाम लेके कहें कि बेटी मेरी है, जन्नत का टुकड़ा है, बेटी अल्लाह की रहमत है, और हम कहें कि नहीं जी, बेटी का नाम तो कार्ड में छापना बड़ी गैरत की बात हो जाएगी। अगर इतनी गैरत है तो फिर बारात लेके क्यों गए? इतनी गैरत थी तो फिर दहेज क्यों लिया? अगर इतनी गैरत थी तो ये बहुत बड़ा जमावड़ा इकट्ठा करके लड़की वालों पर बोझ क्यों डाला? अगर गैरत होती तो सिर्फ 5 लोग जाके निकाह पढ़ के बेटी के सर पर चादर डाल के अपने घर में ले आते। गैरत इसको बोलते हैं, और ये किसी की इज्जत को, किसी के नाम को, किसी की इज्जत नफ्स को मजरू करना, इसका नाम गैरत नहीं है। इस्लाम ने, ये प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इस 12 रबीउल अव्वल के महीने में मुसलमानों को जरूरत है इस बात की, तमाम उलमा को भी, तमाम नमाजियों को भी, कि खुद नहीं, अपने आप को भी नहीं, बच्चों को भी बताएं, गैर मुस्लिमों को भी बताएं, दोस्तों को भी बताएं, यारों को भी बताओ कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम इस महीने में आए, इसी महीने में चले गए, लेकिन 23 साल में इनकलाब बरपा किया है, 23 साल में इंसाफ पैदा किया, 23 साल में मोहब्बतें बांटी, 23 साल में औरत को इज्जत दी, 23 साल में कारोबार में इंसानियत दिखाई, 23 साल में जानवरों को हकूक अदा किए, 23 साल में दरियाओं को, पानियों को साफ किया, 23 साल में खेतियों की हिफाजत का निज़ाम दिया, 23 साल में रहने का ढंग सिखाया, 23 साल में चलने का तरीका सिखाया, 23 साल में खाने पीने का अंदाज सिखाया। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कोई तरीका नहीं छोड़ा जो इंसानों को अता ना किया। हाँ, ये तो जरूर है कि भाई जुलूस निकालना गलत है। अरे ठीक है, गलत है तो तुम क्या सही कर रहे हो, ये भी बता दो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को, अजमत को क्या अपने किरदार में वाजे कर रहे हैं? क्या 12 रबीउल अव्वल के महीने में कुछ लोग इस बात का इरादा करते हैं कि हम दाढ़ी रख लेंगे? क्या 12 रबीउल अव्वल के महीने में इस बात का भी इरादा कर रहे हैं कि आज के बाद हम झूठ नहीं बोलेंगे? क्या इस बात का इरादा है कि जिना नहीं करेंगे? क्या इस बात से तौबा कि अब शराब नहीं पिएंगे? क्या इस बात का इरादा कि अब दूसरों का हक नहीं मारेंगे? हमारा किरदार क्या कहता है? अगर हमारी चाल ढाल रसूलुल्लाह के हुक्म के मुताबिक है तब तो हम अच्छे मुसलमान हैं, अगर हमारी चाल ढाल रसूलुल्लाह के हुक्म के मुताबिक नहीं तो हम अच्छे मुसलमान नहीं हो सकते। और ज़्यादा अच्छे मुसलमान अगर बनना है ना तो उसका सर्टिफिकेट किसी मौलवी से नहीं मिलेगा। ज़्यादा अच्छे मुसलमान अगर बनना है ना तो उसका सर्टिफिकेट किसी हिंदू भाई से ले लो, किसी सिख भाई से ले लो, किसी जैनी दोस्त से ले लो, किसी दलित भाई से ले लो, किसी बोधी से ले लो। किन से? जिनसे तुम्हारा व्यापार है, जिनसे उठना बैठना है, जो तुम्हारे साथ पढ़े हैं, या जो जिनके साथ तुम कॉलेज में पढ़ते हो, जो तुम्हारे पड़ोसी हैं। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया था ना कि जिनको मुझसे मोहब्बत है उनको 2-3 काम जरूर करने चाहिए। या रसूलल्लाह कौन से? फरमाया एक तो गरीबों की खबरगिरी करना चाहिए, दूसरा पड़ोसियों के साथ भाइयों की तरह मामला होना चाहिए। कोई बंदा चाहता है कि मैं बहुत अच्छा मुसलमान बन जाऊं, वो तब बनेगा कि जिनसे उनका मामला है। इस्लाम ने ये नहीं कहा कि पूरी दुनिया ही होनी मुसलमान हो जाए। इस्लाम ये कहता है
कि पूरी दुनिया के लोग इस बात को तस्लीम करें। किसकी वजह से? आपकी वजह से कि इस्लाम जो है वो नेक का मज़हब है, इस्लाम दयानतदारी का मज़हब है, इस्लाम किसी से ज़्यादती नहीं सिखाता। अब वो कैसे सिखाएगा, वो कैसे दूसरा बंदा कहेगा? वो तभी कहेगा ना कि जिस मोहल्ले में आप रहते हैं, अगर आप गैरों की बेटियों की तरफ आँख अगर उठती है तो शर्म से झुक जाती है, तो वो बेटी कह सकती है कि ये मुसलमान है, कभी गंदी निगाह मुझ पर नहीं डाली। अगर कोई ज्यादा पैसे गलती से दे गया तो उसको वापस करते हैं ताकि वो कह सके कि ये मुसलमान है, इसने हराम माल नहीं खाया। अगर किसी ने हमारे पास अमानत रखी है, हम दयानत दाड़ी से उसकी अमानत को वापस कर दें ताकि वो कह सके कि ये मुसलमान है, इसने मेरी अमानत के अंदर खयानत नहीं की है। अगर किसी ने आपके पास अपनी बात भी अमानत रखी है, यही तो नहीं है ना सिर्फ अमानत पैसों की होती है, कुछ दोस्त अपनी इज्जत अमानत में रख जाते हैं, कुछ दोस्त अपनी बातें अमानत में रख जाते हैं, अब हम दूसरों को बताते फिरते हैं कि अच्छा जी ऐसा नहीं वैसा नहीं। तो आप अगर दूसरों की अमानत ही नहीं रखते, फिर आप अच्छे मुसलमान बनना चाहते हैं? इस बहस में कभी हम नहीं पड़े कि 12 रबीउल अव्वल का जो महीना है इसमें यौम विलादत की खुशी मनाई जाए या प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के गम का इजहार किया जाए, लेकिन ये बात तो जहन नशीन कर लो सारे ही जिन्ने मुसलमान हो, चाहे दाई तरफ जो खड़े हैं वो भी, बाई तरफ खड़े हैं वो भी, जिनको दावा है इश्के रसूल का वो भी, कि रसूलुल्लाह की आंखों की ठंडक, रसूलुल्लाह की आंखों की ठंडक, वो बोलो रसूलुल्लाह की आंखों की ठंडक नमाज है, इससे बड़ा कोई अमल नहीं। जिसे दावा है इश्के रसूल का उसका नमाजी होना लाजिम है, जिसको दावा है इश्के रसूल का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका सच बोलना लाजिम अमल है, जिसको दावा है इश्के रसूल का उसकी आंखों में शर्मा हया का होना लाजिम अमल है, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का दावा करता है तो उसकी चाल ढाल में गुलामी नजर आनी लाजमी अमल है। तो इस महीने में कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ना है, पढ़ेंगे इंशाल्लाह, कसरत से दुरूद पाक पढ़ना है, और ये दुरूद शरीफ जो है कोई मामूली तस्बीह नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला जो है, अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी तरफ से जो बात सबसे आला कही कायनात में वो कौन सी है बताए, सबसे आला बात जो अल्लाह ने कही कायनात में वो कौन सी है बताए। अल्लाह ने फरमाया कि इंसानों, मैं खुदा होके अपने रसूल पर सलाम भेजता हूं, तुम भी रसूलुल्लाह पर सलाम भेजा करो। वो अल्लाह होके, रब होके, जिसको जरूरत ही नहीं है कोई, वो अल्लाह ने अपने रसूल की अजमत बयान करने के लिए बताया, रसूलुल्लाह से अपने इश्क का इजहार करने के लिए बताया, रसूलुल्लाह से अपने मोहब्बत का इजहार करने के लिए बताया, रसूलुल्लाह का दर्जा इंसानों को समझाने के लिए अल्लाह ने बताया कि लोगों, मैं अपने रसूल को सलाम भेजता हूं, तुम भी रसूलुल्लाह पर सलाम भेजा करो। अब सलाम भेजने के लिए तो जरूरी है कि बंदे की जुबान से गाली ना निकले, क्योंकि जो जुबान सलाम के लिए इस्तेमाल होगी उसका पाक होना जरूरी है। जुबान के लिए पाक होना, रिस्क के हलाल का पाक होना बहुत जरूरी है। ये आप लोग तो अक्सर आजकल मोबाइल चलाते हैं बहुत, और कई मुसलमान मुझे एक दिन कहने लगे जी फलां फिल्म में रॉन्ग नंबर का जिक्र है, तो मैंने कहा तुम्हारा भी तो रॉन्ग ही नंबर मिला हुआ है, तुम भी तो खीर बिरयानी बांटने के बाद समझ रहे हो कि हम बड़े आशिक रसूल बन गए। दूसरों पर तनकीद ना करें, अपने गिरेबान में जाके। अक्सर लोग इस महीने में, जिस महीने में अजमत रसूल की बात होनी चाहिए, मेरे इन फिक्रों को नोट कर लीजिए, अल्लाह ताला हमारे दिल में मुझे और आपको हिदायत का रास्ता दिखा दे। ये जो 12 रबीउल अव्वल का महीना है, जिस महीने में अजमत रसूल की बात होनी चाहिए, जिस महीने में शान रसूल की बात होनी चाहिए, जिस महीने में सीरत रसूल की बात होनी चाहिए, जिस महीने में नबी अलैहिस्सलाम का किरदार बयान करने की जरूरत है, जिस महीने में रसूलुल्लाह की मोहब्बतें बांटने की जरूरत है, जिस महीने में रसूलुल्लाह
वसल्लम का प्यार दुनिया के साथ क्या है वो दिखाने की जरूरत है। जिस महीने में रसूलुल्लाह की बहादुरी, रसूलुल्लाह की शुजात, रसूलुल्लाह का सबर, रसूलुल्लाह की हिकमत दिखाने की जरूरत है। जो महीना इसलिए अल्लाह ने दे दिया कि बताओ दुनिया वालों को कि ये रसूल हैं, कायनात के लिए रहमत बन के आए हैं, ये रसूल हैं, तुम्हारे रहनुमा हैं, ये रसूल हैं, हर बड़े छोटे, हर इंसान, जानवर, हवा, जमीन, आसमान, हर चरिंदे परिंदे के लिए अल्लाह की तरफ से रहमत बन के आए हैं। जिस महीने में हमने लोगों को ये बताना था कि आओ हमारे नबी की तरफ, आओ रसूलुल्लाह की तरफ, आओ तुम्हें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बातें बताएं, उस महीने में आप मेंबर पे बैठ के काफिर काफिर खेलते हो। वो कहता है कि देवबंदी काफिर है, कहता है बरेलवी काफिर हैं, उस मुकाम तक ही नहीं पहुंचे जहां रसूलुल्लाह ने तुम्हें पहुंचाना था, वहां पहुंचे ही नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करो मुसलमानों, दुनिया प्यासी है, आज लोग तड़प रहे हैं। सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिस तरह तड़प रहे थे, चक्की पीस रहे थे, रसूलुल्लाह ने जाके जख्मों पर मलहम लगाई। आज भी दुनिया प्यासी है और ये फन रसूलुल्लाह ने तुम्हें दिया है। एक सिर्फ कायनात में तुम ही हो जो छुआछूत का खात्मा कर सकते हो। कायनात में अल्लाह ने ये हिकमत तुम्हें दी है जो दूसरे को गले से लगा सकते हो। अल्लाह ने कायनात में ये निज़ाम आपको दिया है जो एक ही सफ में अमीर गरीब, गोरा काला, छोटा बड़ा खड़े हो सकते हो। अल्लाह ने कायनात में ये सिर्फ तुम्हारे में दी है कि गरीब का बच्चा हाफिज बनने के बाद सैयदों की मस्जिद में इमाम बन सकता है। मुसलमानों, बाहर निकलो अपने इस खोल में से और इस दुनिया को अपने गले से लगाओ। जो लोग तड़प रहे हैं उन तक मोहब्बतें पहुंचाओ, जिनको आपकी हमदर्दी की जरूरत है उन तक हमदर्दी पहुंचाओ। इसलिए नहीं कि हम उनको मुसलमान करना चाहते हैं। रसूलुल्लाह ने सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला उनकी मदद इसलिए की थी कि सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला पर जुल्म हो रहा था। हम दुनिया के साथ कंधे से कंधा इसलिए मिलाना चाहते हैं, हम गरीबों के साथ इसलिए चलना चाहते हैं क्योंकि हमारे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत है। करेंगे इंशाल्लाह। ये सारी बातें आनी तब हैं जब नमाज की पाबंदी हो। जब नमाज की पाबंदी हो तो दुआ कीजिए, वक्त भी हो गया है। अल्लाह तबारक व तआला इस बाबरकत महीने में, जिस महीने में हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए हों, तो उससे बरकत वाला महीना कौन सा हो सकता है। अल्लाह इस बाबरकत महीने में हम सबको मोहम्मद रसूलुल्लाह का सच्चा गुलाम बनने की तौफीक अता फरमाए, उनकी इत्तबा की तौफीक अता फरमाए, रसूलुल्लाह की पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इस पे अमल की तौफीक दे। वा आखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।